अब मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि पिता के तरफ का आकर्षण, इसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तक महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। पिता के तरफ, डैडी के तरफ या फादर के तरफ लड़की का आकर्षण होना, एक कोई एज में, पर्टिकुलर एज में होना, यह बहुत ही नैसर्गिक है। ऐसा हो सकता है, होता ही, ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है। और समझो होता है तो वो बाहर दिखता भी नहीं है, कभी कभी दिखता है, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला। अभी लड़की ने पिता के तरफ आकर्षित होना, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये पाप है, क्या ये पुण्य है, क्या ऐसे काफी सवाल, सही गलत पाप है क्या, ऐसे काफी सारे सवाल आ सकते हैं। मगर ये होता है, क्या होता है कि लड़का लड़की दोनों रहे तो लड़के के तरफ पिता देखता है कि ये अपना इमेज है, ये आगे बढ़ के टफ होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड पिता डालता है, उसको मतलब स्टडी बनाने का, टफ करने का, उसके ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं होते हैं, ऐसा लड़के की परवरिश की जाती है। पिताजी का डर लड़के को बताया जाता है और माँ लड़के को बहुत प्यार से समझाती है, प्यार से उसके हाथ में बातचीत करेंगी, सभी ऐसा होता रहता है माँ का। अभी लड़की का देखो क्या होता है, लड़की पिता को मालूम है कि लड़की क्या है, कि बहुत ही सॉफ्ट रहती है, उसका उसके तरफ एक नजरे ऐसा रहता है कि नहीं ये तो क्या पराया धन है, कुछ दिन रहने वाली है, वैसी लड़की सॉफ्ट रहती है, बोलने में भी ठीक रहती है, तो उसके प्रति, लड़कियों के प्रति एक पिता का एक अलग तरह का व्यवहार रहता है लड़के के कंपेरिजन में। अब क्या होता है कि लड़की को अपने आजू बाजू में दिखता है वो अपना बाप कि जो स्ट्रांग है, स्टडी है, डोमिनेटिंग है, मगर उसके तरफ बहुत प्यारा है, उसके सब लाड़ प्यार पुराता है, तो नेचुरली उसके तरफ उसका आकर्षण होते रहता है 12-13 साल की उम्र में। और ये सिगमंड फ्राइड, जो साइकियाट्री के भीष्म पितामह कहलाए गए, उन्होंने इसमें लिखा था कि वो लड़की ये उम्र में, मतलब 9 साल से लेके 13 साल की उम्र में, माँ को अपनी कॉम्पिटिटर मानती है, उसको लगता है कि माँ के तरफ पिता ने ख्याल नहीं देना चाहिए, मेरे तरफ देना चाहिए। उसने जो साइको एनालिसिस किया उसमें बताया कि माँ को कॉम्पिटिटर मानती और उसको लगता है कि माँ कॉम्पिटिशन में, किसके लिए, वो जो आदमी है मतलब उसके पिताजी, उसका फेवर लेने में, माँ को दुश्मन मानती है वो। ये नेचुरल है, मतलब होते रहता है, उन्होंने एनालिसिस में कहा, उसमें अपने को डिटेल जाने का नहीं अभी। और फिर धीरे 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 जैसा टाइम जाता है, फिर वो लड़की बड़ी होती है, फिर कॉलेज में जाएंगे, फिर उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स रहेंगे, फिर सोशल मीडिया है, तो धीरे धीरे आकर्षण नेचुरली वो कम होते जाता है। तो ये नॉर्मल है, मगर होता क्या है कि सेक्सुअल अब्यूज में ये जो आकर्षण है, यदि कोई लड़की अपने बाप के पास में जाती है, उसके गले मिलती है, अभी कोई पिताजी ऐसे रहते हैं कि जिनका थोड़ा सा परवर्शन है, वो उसका फायदा उठा के अपने बेटी के ऊपर ही अत्याचार कर लेते हैं, और हमको वो काफ़ी केसेस दिखाई देती है। ऐसा कुछ अब्यूज हो गया तो बड़ी लड़की होने के बाद में उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट बाद में दिखता है, मानसिक बीमारी होती है और उसके रूप में, मानसिक बीमारियों के रूप में उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो लड़की ने बाप की तरफ आकर्षित होना, क्या अपने पिता की तरफ होना नहीं, वो होती रहती है, ऐसा एक साइंटिफिक डेटा है जो जो साइको एनालिसिस में, फ्राइडियन थ्योरीज में लिखा है। और हुआ तो कुछ गलत नहीं है, नेचुरली वो आप ही आप निकल जाता है, और वो होना कुछ पाप पुण्य सही गलत इसमें जाता नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, इसके बारे में आपको कुछ भी सवाल होंगे तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं, हमारे से बात कर सकते हैं, हमारा ऐप है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो, और हमारा जो मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप ज्वाइन हो जाओ।